आज रहमत, किशन और नूर अहमद ये लोग सांप और नेबला स्टोरी पे रोल प्ले करेंगे। आप लोग रेडी हैं? ओके, नाउ स्टार्ट। सांप का समय था। सांप शिकार करके अपने बिल की ओर लौट रहा था। अचानक उसे किसी की आहट सुनाई दी। तभी उसकी नजर एक नेबले पर पड़ी। सांप ने सोचा, मैं अभी बहुत छोटा हूँ और नेबला मोटा ताजा है, वह मेरा कचूमर बना देगा। इससे पहले कि वह मुझे देखे, मैं पफू चक्कर हो जाता हूँ। फिर सांप एक पेड़ के पीछे दुबक गया, लेकिन नेबले ने उसे देख लिया। अब तो सांप आगे आगे, नेवला पीछे पीछे। ऐसा करते हुए सांप झाड़ियों के ऊपर चढ़ गया, पर नेवले ने पीछा नहीं छोड़ा। वह उसका पीछा करता रहा। सांप नीचे उतरे तो नेवला तुरंत झपटे। जैसे ही सांप नीचे उतरे, नेवला तुरंत झपटे। ऐसा करते हुए उनको बहुत देर लग गई। फिर अचानक सांप चुपके से पीछे से झाड़ियों से नीचे उतर गया और नेबला फिर उसके पीछे लग गया। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। इसी आपाधापी में दोनों थक गए। सांप कुंडली मारकर बैठ गया और सो गया। नेबला भी पस्त होकर गिर गया और सो गया। थोड़ी देर बाद सांप बोला, भाई मेरे पीछे मत पड़ो, नहीं तो सूख के कांटा हो जाओगे। पिछली बातों को भूल जाओ और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। जय हिंद। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे इनके लिए।